इशारों कर दिए मैंने स्टार्ट में। ठीक है, आज अपने भाषा बोलियां टॉपिक जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज अपने बात करेंगे जो टॉपिक है अपना भाषा एवं राजस्थान की बोलियां। राजस्थान की बोलियां अपने पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको जब ये टॉपिक करवाया था इसका फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने आपको बोलियां करवा दी थी और उसमें मैंने आपको मैप में करवाई थी। तो मैप में क्या होता है कि जिले जो है हूबहू बने हुए नहीं होते उसमें, तो इसी कारण से मैंने सोचा कि कुछ नया करके देखते हैं। तो ये आज मेरे थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है ये सिस्टम थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा क्योंकि बोर्ड पे तो रोज़ पढ़ाते हैं। थोड़ा सा माहौल बनाना भी ज़रूरी है ताकि आपको लगे भी गुरुजी के पास सिस्टम बड़ा है। ठीक है, अपने बड़ी आदमी है, सिस्टम बहुत है अपने पास में। और तो बोलियों की मैं बात करूंगा, ठीक है। और बोलियों वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ये जो गंगानगर हनुमानगढ़ का जो उत्तरी भाग है, यहाँ पे जो बोली बोली जाती है वो बोली है साथियों पंजाबी। ये पंजाबी भाषा वाला क्षेत्र हो जाएगा, पंजाबी बोली यहाँ पे बोली जाती है। और अपना ये वाला जो एरिया जो रहता है, ये हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर चूरू वाला, ये जो स्पर्श करने वाला जो एरिया होता है, ये साथियों एरिया है, थड़ी बोलते हैं इस एरिया को, थड़ी क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज हो जाएगी उस लैंग्वेज का नाम हो जाएगा थड़ी। इस लैंग्वेज का नाम क्या हो जाएगा? थड़ी इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो क्षेत्र अपना है, ये क्षेत्र और इसके साथ में थोड़ा थोड़ा जोधपुर के साथ में आसपास वाले जिले थोड़े थोड़े ले लो इसमें, और ये वाला जो एरिया है यहाँ जो लैंग्वेज बोलेंगे ना उसको हम कहेंगे मारवाड़ी। यहाँ इस लैंग्वेज का नाम है मारवाड़ी। राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है ये, सबसे मानक बोली भी इसको माना जाता है मारवाड़ी। ये मारवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ रियासत भी थी। यहाँ का आदमी मारवाड़ी कहलाता है। यहाँ मारवाड़ी नस्ल की भेड़ पाई जाती है, यहाँ मारवाड़ी नस्ल की बकरी पाई जाती है। मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी और मारवाड़ी भी सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोले जाने वाली बोली हो जाएगी। अब देखो कई बार एग्जाम वाला पूछ लेता है कि भाई बता प्योर मारवाड़ी कहाँ बोलेंगे, तो प्योर मारवाड़ी को बोला जाता है वी शुद्ध मारवाड़ी। वी शुद्ध मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी को क्या बोलेंगे? वी शुद्ध मारवाड़ी। तो वी शुद्ध मारवाड़ी कहाँ की हो जाएगी? जोधपुर की हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मारवाड़ी भेड़, यहाँ की परिस्थितियाँ बड़ी ही विकट परिस्थितियाँ हैं। अन्न जल चारा आदि की कमी रहती है और यहाँ पे विषम परिस्थितियाँ होने के कारण यहाँ के जो जानवर होते हैं वहाँ की उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत होती है, बहुत क्षमता होती है। मारवाड़ी आदमी आपने देखा होगा, मारवाड़ी जो आदमी होता है इस प्रकार का आपने आदमी देखा होगा, मारवाड़ी आदमी, मारवाड़ी आदमी इस प्रकार से मारवाड़ी पगड़ी बांधे हुए देखने को मिलता है। और मारवाड़ी आदमी की भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत होती है। ये है मारवाड़ी आदमी, मारवाड़ी ये मूंछ होगी इसकी, बहुत बड़ी बढ़िया चित्र बना है अपने। ये मारवाड़ी आदमी, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत होती है भाई। यहाँ मैं इसकी थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये विशुद्ध मारवाड़ी होगी। अब इसके बाद में ये वाला जो एरिया रहता है थोड़ा सा जैसलमेर वाला, थोड़ा सा जोधपुर, थोड़ा सा इसमें जोधपुर मिला लो, ये वाला जो एरिया है ना बाउंड्री वाला, यहाँ जो लैंग्वेज बोलेंगे उसको बोलेंगे अपने ढटकी। इधर वाली लैंग्वेज को क्या बोलेंगे?
ढटकी बोलेंगे अपने, तो ढटकी हो जाएगी। अब देखो मैं बात करूंगा कि ये जालौर है, ये बाड़मेर है, ये जोधपुर है, ये पाली है। तो ये जो एरिया है ना इतना, ये एरिया जहाँ पे बालोतरा वगैरह क्षेत्र पड़ते हैं, ये एरिया कहलाता था गोडवाड़ के नाम से। आज भी जियोग्राफी में इसको गोडवाड़ प्रदेश बोलते हैं। तो यहाँ जो लैंग्वेज हो जाएगी उस लैंग्वेज को कहेंगे गोडवाड़ी, गोडवाड़ी लैंग्वेज इसको अपन बोल देंगे। अब देखो यहाँ पे सिरोही जो है ना, सिरोही का पुराना नाम है अबू चंद्रावती देवड़ावाटी। तो यहाँ की लैंग्वेज हो जाएगी देवड़ावाटी लैंग्वेज हो जाएगी, देवड़ावाटी लैंग्वेज हो जाएगी ये वाली, ठीक है। इसके बाद में उदयपुर और आसपास का जो एरिया है ये कहलाता था मेवाड़, यहाँ की लैंग्वेज हो जाएगी मेवाड़ी, मेवाड़ी मेवाड़ी, ठीक है। मान मान मेवाड़ी, राणा प्रजा पुकारे रे हैं, मेवाड़ी हो जाएगी ये प्रॉपर जो उदयपुर। हाँ पूरे मेवाड़ में तो हो जाएगी मेवाड़ी। प्रॉपर अगर अकेले उदयपुर की बात करें ना, तो यहाँ एक लैंग्वेज है उसको कहते हैं दावड़ी, उसको क्या कहते हैं, दावड़ी लैंग्वेज कहते हैं। दावड़ी लैंग्वेज की हमने बात कर ली। डूंगरपुर बांसवाड़ा है, इसको बोलते हैं बागड़, बागड़ बोलेंगे, बागड़, बागड़ क्षेत्र है तो बोली हो जाएगी बागड़ी। बागड़ी को वागड़ी भी कहते हैं, बागड़ी को वागड़ी भी कहेंगे। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने इसको भिल्ली भी कहा है क्योंकि भिल्लों द्वारा बोली जाती है। यहाँ एक चीज ध्यान में रखना, बागड़ी पे गुजराती का इफेक्ट है ज्यादा, बागड़ी पे गुजराती का इफेक्ट हो जाएगा। ये नजदीक में जो बोलियां हैं ना सारी सारी, ये लगभग मारवाड़ी की उपबोलियां मानी जाती है। लगभग जो मैंने ये लिखी है ना यहाँ पे, देवड़ावाटी गोडवाड़ी डटकी ये, और मारवाड़ी की उपबोलियों की बात करें तो एक यहाँ पे जो लैंग्वेज है चूरू सिक्कर झुंझुनू, यहाँ लैंग्वेज हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों शेखावाटी, शेखावाटी। मैं साफ साफ लिखूंगा, राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है, ताकि आप नोट्स बनाओगे तो आपके काम आएगा, ऐसे कचरा सा नहीं करेंगे अपने। तो यहाँ हो जाएगी शेखावाटी। अब देखो शेखावाटी भी किसकी है, इस मारवाड़ी की उपबोली है। अब देखो सिक्कर से निकलकर झुंझुनू वाली साइड एक नदी बहती है, आपने सुना होगा कांतली नदी, कांतली का बहाव क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी। तो इस क्षेत्र में जो लैंग्वेज बोलेंगे ना उसको बोलेंगे तोरावाटी, इसको क्या कहेंगे, तोरावाटी कह देंगे। तो ये अपनी तोरावाटी हो जाएगी, ठीक है, तोरावाटी कर ली हमने। इसके बाद में अकेले अलवर की मैं अगर बात करूं तो अकेले अलवर की लैंग्वेज मैं यहां लिख देता हूं, अकेले अलवर में बोलेंगे अहीरवाटी, अकेले अलवर में अहीरवाटी बोलेंगे, अहीरवाटी हो जाएगी अकेले अलवर में। खाटी मत पढ़ना इसको, अहीरवाटी। अलीबख्श ख्याल की रचना इसी में हुई है, इसी बोली में। फिर देखो अलवर और ये भरतपुर, अलवर और भरतपुर, यहां दोनों में बोली जाएगी मेवाती। देखो ये क्षेत्र मेवात नाम से जाना जाता है क्योंकि मेव जाति पाई जाती है इनके पास में, जो हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट टच करता है उसका नाम मेवात है। यहाँ मेव जाति रहती है, यहाँ का आदमी मेवाती कहलाएगा। जैसे हसन खां मेवाती राणा सांगा के सेनापति थे खानवा युद्ध में, और जहूर खां मेवाती भपंग के जादूगर माने जाते हैं। यहाँ जो गाय पाई जाएगी उसको मेवाती गाय कहेंगे, तय नहीं है, तय है, ठीक है, तय है ये मेवाती। तो यहाँ मेवाती गाय भी पाई जाती है, और मेवाती गाय का प्रजनन केंद्र बस्सी में है, बस्सी आपका जयपुर में पड़ता है। अब इसके और एक चीज और, यहाँ पे लालदास जी और चरणदास जी संप्रदाय जो हैं उनके ग्रंथों की रचना इसी मेवाती में हुई है, ध्यान रख लेना। इसके बाद में ब्रज, भरतपुर धौलपुर में यहाँ पे बोलेंगे ब्रज, ब्रज बोली बोली जाएगी यहाँ पे। इसके बाद में आ गया है अपना करौली, करौली
करौली में बोलेंगे जग रोती, करौली में जग रोती, करौली करेला, करेला खारा होता है, करेला खाएगी तो रोती रहेगी, जग रोती करौली की जग रोती। ब्रज क्षेत्र है ये, यूपी को टच करता है, तो ऐसे याद कर लिया करो, बहुत ही इजी चीज है, लोग ज्यादा इसमें पजल रहते हैं लेकिन इजी बहुत है ये। ये अलवर अहिरवाट ये एरिया है, अहिरवाटी, ये मेवात कहलाता है, तो मेवात, मेवाती बोली हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मेवाती कर देता हूँ मैं, मेवाती, मेवाती, ठीक है, ये ब्रज बोली हो जाएगी, ये जगरोती हो जाएगी। अब देखो जयपुर और आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ बोलेंगे प्यारे विद्यार्थियों ढूंढाड़ी, यहाँ ढूंढाड़ी बोल देंगे, ढूंढाड़ी बोलेंगे। अब देखो इसमें छोटी छोटी चीज़ें कई और होती है जो मैं नहीं मानता इतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी इसमें आएगी नहीं, इसलिए आपको केवल बता देता हूँ। ढूंढा प्रॉपर जयपुर जो है ना उसके अंदर दो तीन लैंग्वेज और बोली जाती है, जैसे जाड़साई है, राजाशाही है, काठेड़ी है ना, तो ढूंढाड़ी जो है वो तो जयपुर के आसपास के पूरे ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती थी, जयपुर समेत, ठीक है। और प्रॉपर जयपुर की जो बोलियां हैं, जैसे राजाशाही है, राजाशाही, राजावाटी है, तो यहाँ के राजा बड़े फेमस होते थे, तो राजावाटी हो जाएगी। इसके बाद में मुगल जो है इनको बात बात में झाड़ देते थे, तो झाड़ सही है, लेकिन फिर भी अपने सामने ये लोग जो है वो थोड़ा सा रुतबे में रहते थे, काठे काठे रहते थे, तो काठेड़ी हो जाएगी, ठीक है। दादू के ग्रंथों की रचना ढूंढाड़ी में हुई है। इसके बाद में देखो यहाँ पे किशनगढ़ अजमेर में है, वहां पे किशनगढ़ी बोलेंगे, ऐसा प्रश्न नहीं पूछेंगे। अब देखो भीलवाड़ा की जाजपुर तहसील से अधिकांश टोंक जिला है ना, यहाँ पे ये एरिया है खेराड़, तो यहाँ बोलेंगे खेराड़ी, खेराड़ी बोल देंगे, खेराड़ी, खेराड़ी अचंभे की बात है, इतनी दूर से मारवाड़ी की उपबोली है खेराड़ी। बहुत ही मोस्ट ऐसी चीजें पेपर वाला पूछता है, क्यों पास वाली तो अपने बता देंगे भी इसकी उपबोली हो सकती है, ये थोड़ी सी दूर है, रोमिंग में है ये, तो ये इसकी उपबोली हो जाएगी, ठीक है, खेराड़ क्षेत्र है ये, तो यहाँ खेराड़ी। इसके बाद में देखो टोंक, टोंक और जयपुर, टोंक चौरस है ना, तो यहाँ हो जाएगी 84, टोंक चौरस है तो हो जाएगी दिव्य सजनों, यहाँ पे 84 हो जाएगी। इसके बाद में टोंक और सवाई माधोपुर में दोनों में बोली जाएगी बोली, इसका नाम है नागर चोल, क्या नाम रहेगा, नागर चोल रहेगा इसका। इसके बाद में देखो बूंदी, दिखने में बूंदी जैसी है, बूंदी कोटा झालावाड़ 12, यहां जो बोली बोली जाएगी वो आड़ोती है, वो कौन सी रहेगी, आड़ोती रहेगी, ये है हाड़ोती। देखो हाड़ोती जो है ना वो ढूंढाड़ी की उपबोली है भाई, ढूंढाड़ी की उपबोली है हाड़ोती। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा, ये झालावाड़ और बारावाड़ा ये जो एरिया है ना, ये मध्य प्रदेश के यहाँ पे मालवा के पठार को टच करता है, इसलिए ये एरिया मालव प्रदेश है, और यहाँ की लैंग्वेज हो जाएगी मालवी, और यहाँ पे जो गाय पाई जाती है वो गाय भी मालवी हो जाएगी। अब देखो मालवी बोली जहां बोलते हैं ना वहां पे एक बोली थोड़े से क्षेत्र में और बोली जाती है, जिसका नाम है रागड़ी, रागड़ी मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली हो जाएगी, कौन सी, रागड़ी बोली हो जाएगी, ठीक है, मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली रागड़ी हो जाएगी, क्लियर है। अब इसके बाद में, एक चीज यहां पे रहेगी, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ वाला जो एरिया है ना यहाँ पे बोलेंगे निमाड़ी, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे निमाड़ी बोलेंगे, थोड़े से क्षेत्र में बोली जाती है लेकिन बड़ी स्पेशल है ये निमाड़ी, दक्षिणी राजस्थानी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये अपने मुख्य मुख्य बोलियां होगी, एक आधी इजी जो है बिल्कुल आसान है वो मैंने नहीं करवाई है, जैसे मान लो ऐसा प्रश्न तो आता नहीं, बीकानेर में कौन सी बोलेंगे, बीकानेरी बोलेंगे, बीकानेरी बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है।
और किशनगढ़ में किशनगढ़ी बोलें, ये मेन मेन बोलियां होगी। इसमें देखो जैसे मान लो ये बागड़ी है, इस पे प्रभाव पूछ लेगा, इस पे गुजराती का प्रभाव हो जाएगा। ये मालवी है, इस पे मराठी का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, मराठी का। इसके बाद में ये जो हाड़ौती है, ठीक है, हाड़ौती के ऊपर मेवाड़ी बोली का मिश्रण है हाड़ौती के अंदर, ठीक है। इसके बाद में ब्रजभाषा, यूपी की ब्रजभाषा का प्रभाव है इस पे। इसके बाद में मेवाती और ये अहिरवाटी है, इन पे थोड़ा थोड़ा हरियाणवी का प्रभाव है। देखो बाउंड्री पे है तो किसका इफेक्ट पड़ेगा, हरियाणवी का इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, राइटिंग भी बढ़िया है और ये सिस्टम जो नया आपने शुरू किया है ये भी बढ़िया चल रहा है, मेरे सेट बैठ गया ये, ठीक है, बढ़िया माहौल बनेगा आज की। वास्तव में सेटअप भी इनके पास में बढ़िया है, जुगाड़ है इनके पास में, पंजाबी हो जाएगी। तो ये मैंने साथियों मेन मेन जो बोलियां थी अपने राजस्थान की वो करवा दी। एक तो इनमें देखो 2% गांठ बांध लेना, एक तो पूछेगा कि कौन सी बोली का इफेक्ट पड़ता है, तो बाउंड्री वाली जो बोलियां है ना उन पे किसी राज्य की बोली का इफेक्ट पड़ता है तो वो पूछ सकता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, जैसे हाड़ौती, बागड़ी, अहिरवाटी, मेवाती वगैरह वगैरह बता दिया मैंने। और दूसरा एक चीज और पूछ लेते हैं भाई, कौन सी किसकी उपबोली है, तो उपबोली मैंने मारवाड़ी की, ढूंढाड़ी की, इस प्रकार से मैंने आपको करवा दिया। तो इस प्रकार से ये अपनी बोलियां यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और इसके बढ़िया तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स तो मैंने ये बना ही दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि नोट्स में ये भी भूलो ना आप। मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाई है, जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा उसकी नैया पार हो जाएगी, क्योंकि लोगों की गरारी इसी टॉपिक में ज़्यादा अटकती है। मैंने नक्शे में बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाई है, हर बोली का किसी नाम से किसी जिले से रिलेशन है। तो जैसे मान लो यहाँ देवड़ावाटी है तो सिरोही का पुराना नाम है देवड़ावाटी, तो यहाँ देवड़ावाटी, ये तोरावाटी है यहाँ पे, तो यहाँ तोरावाटी क्षेत्र है भाई, तो तोरावाटी है, शेखावाटी की शेखावाटी हो जाएगी। इस प्रकार से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने ये करवा दी। और विद्वानों, इस प्रकार की वीडियो यूट्यूब पे मिलना बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभ है, जड़ी बूटी मान लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका बढ़िया तरीके से आप। ये मैंने बोलियां आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवा दी, 1% भी किसी भी परीक्षा के अंदर गलत नहीं होगा, ये राकेश भाटी सर का दावा है। और अभी अपने आगे कुछ साहित्यकारों की बात मैं और बताऊंगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लेना बढ़िया तरीके से, और चार चार या पांच पांच खाली ब्लैंक मैप लेके और उन पे इनको भरने का प्रयास जरूर करना। ठीक है, तो अब अपन लोग पढ़ेंगे, स्क्रीन पे आ गया होगा, लुई पीओजी टेसी टोरी, पेन चलने लग गया है, ठीक है, मैं सीख गया हूँ सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से। और अभी देखो लुई पीओजी टेसी टोरी की बात करेंगे, वैसे तो रचनाएं बहुत सारी है, किताबें भरी पड़ी है, लेकिन मैं मेन मेन जो है जिनके बारे में डिटेल आती है, जिन साहित्यकारों के बारे में, उन साहित्यकारों के बारे में आपको मैं बताऊंगा, बहुत ही शानदार बातें भी। टेसी टोरी ये नाम है इसका, लुई पीओजी, मैं बताऊंगा पीओजी कौन से गांव के थे, पीओजी कहाँ से आए थे, पीओजी क्या लेने आए थे, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। देखो नाम है डॉक्टर लुई पीओजी टेसिटोरी, ठीक है, और बहुत ही मेहनत की हमने इस टॉपिक में बढ़िया तरीके से, हमारी ये टाइप आपको मैटर मिल जाएगा, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ही काफ़ी रहेंगे, और मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखो लुई पीओजी टेसिटोरी 13 दिसंबर 1887 को इटली के उदीना, अंग्रेजी में इसको यूडाइन लिखते हैं, यूडाइन, लेकिन अपने बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है, जैसे रॉबर्ट ब्राउन होता है, कोई गांव में अगर कोई ब्राउन होता है तो उसको अपने भूरिया बोलते हैं, उसी प्रकार से यूडाइन को हमने उदीना कहा। उदीना गांव का निवासी था, इटली का था ये, सर्वप्रथम ये भारत में 1914 में कलकत्ता में आया था, कलकत्ता में, वाह। एलपी टेसिटोरी ने गंगा सिंह के संरक्षण में राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी साहित्य के सर्वेक्षण एवं संग्रह का काम किया, बीकानेर में ये काम इसने शुरू कर दिया। यहाँ इसकी मुलाकात, यहाँ इसकी
मुलाकात, मुक्कालात नहीं मुलाकात, बीकानेर के जैन आचार्य विजय धर्म, अंडरलाइन कर लेना, ऐसी चीजें बहुत पूछते हैं, गुरु वगैरह पूछ लेते हैं। विजय धर्मसूरी से इनकी मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, और फिर इन्होंने इनकी प्रेरणा से बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे, पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण, तीसरी रचना जो है, जब मैं पढ़ाते टाइम इसको बोलता हूँ याद तो मेरे रहती है ये चीज, लेकिन जब मैं बोलता हूँ ना, मेरी अंग्रेजी बहुत ही ज्यादा उच्च स्तर की है, इसलिए मेरे को ये नाम नहीं आते, नाम बड़ा लंबा है। देखो अब मैं लिख दिया तो मेरे लिए थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। इतना लंबा नाम आपको मुखजबानी याद नहीं करना, बस आप एक बार पढ़ लेना, ऑप्शन इतना लंबा नहीं आएगा कभी भी। तो ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बॉडिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, ये इसकी तीसरी रचना हो जाएगी। डॉक्टर एल पी टेसिटोरी ने बीकानेर म्यूजियम की स्थापना की थी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको अंडरलाइन कर रहा हूँ वो चीज़ें आएगी, सभी भर्तियों में आएगी, एक एक प्रश्न पक्का होता जा रहा है साथियों। अंत में 22 नवंबर 1919 को बीकानेर में निधन हो गया, अपने यहीं पे देहांत हो गया, टेसिटोरी समाइज गए, है ना। तो नथमल जोशी ने टेसिटोरी की जीवनी लिखी है, नाम रखा उसका दोरा रा दोरी, दोरा रा दोरी। जोधपुर निवासी रामकरण जी आसोपा ने 1914 से 1919 तक टेसिटोरी के साथ कार्य किया, मतलब इनकी हेल्प की थी, इनके शोध में इनके साथ रहे थे। तो नोट में मैंने लिखा है एल पी टेसिटोरी की कर्मस्थली बीकानेर रही है, बीकानेर रही है। टेसिटोरी जी यही अपने ही होके रह गए थे, आए थे इटली से, आए थे इटली से, बहुत लोग आए हैं अपने, बहुत लोग आए हुए हैं इटली से, ये टेसिटोरी बढ़िया आदमी है जो इटली से आए हुए हैं। अब इसके बाद में टेसिटोरी बढ़िया तरीके से कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो इसका साथ साथ में। इसके बाद में मैं आपको करवाऊंगा, बहुत ही शानदार आदमी, बढ़िया आदमी है, जिनका नाम रहेगा बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी है इनका। पेन ले लेता हूं मैं यहां से, और अब देखो डॉक्टर सीताराम लालस, सीताराम लालस नहीं करता था आलस, बहुत बढ़िया आदमी, नहीं करता था आलस, इसलिए राजस्थानी भाषा का शब्दकोश डिक्शनरी तैयार कर दी। देखो आलसी आदमी नहीं तैयार कर सकता। इनका जन्म अपने ननिहाल, देखो नानेरो भी बता दियो अपा, ननिहाल बाड़मेर, ननिहाल बाड़मेर जिले के सिरवाड़ी गांव में 25 नवंबर 1912 को हुआ था। मूलतः जोधपुर के नरेवा गांव के निवासी थे, कहाँ के थे, जोधपुर के नरेवा गांव के। राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने की प्रेरणा इनको बूंदी के पंडित सूर्यमल मिश्रण से मिली थी। इन विचारों को अपने मिश्रण बोल देते हैं, मिश्रण नहीं बच्चों, ये मिश्रण है, मिश्रण हमारे राज्य कवि है ये। अब देखो सीताराम लालस हमने कंप्लीट यहाँ पे कर ली। इसके बाद में आगे इनके बारे में जो बातें हैं कि सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का यहाँ पे शब्दकोश नामक एक ग्रंथ लिखा, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश नामक यहाँ पे क्या लिखा था, ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ के 10 भाग हैं, जिनमें देखो 2 लाख से अधिक शब्द है। देखो मैंने कहा था सीताराम लालस नहीं करता आलस, इसीलिए देखो 2 लाख से अधिक शब्द लिख दिए, अधिकांश शब्द मारवाड़ी के हैं। राजस्थानी भाषा के शब्दकोश तैयार करने पर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने श्री लालस को राजस्थानी जुबां की मसाल कहा है, ये बड़ी शानदार बात है। राजस्थानी जुबां की मसाल किसको कहा है, सीताराम लालस को, किसने कहा है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने कहा है, ठीक है। इसके बाद में देखो राजस्थानी साहित्य अकादमी ने 1973 को, राजस्थानी साहित्य अकादमी ने 1973 को लालस को साहित्य मनीषी की उपाधि दी थी।
मतलब विद्वान। 1976 में जोधपुर यूनिवर्सिटी में लालस को डीलिट की मान्य उपाधि प्रदान की गई। 26 जनवरी 1977 को भारत सरकार ने लालस को पद्मश्री से नवाजा। 1986 में लालस को जोधपुर जिले में लालस जी का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया, हमें छोड़कर चले गए। ठीक है, तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने स्क्रीन पे आ गए हैं हमारे बढ़िया साहित्यकार हैं जिनका नाम है पृथ्वीराज जी राठौड़। इनको पिथल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इनको? पिथल के नाम से जाना जाता है। बीकानेर के राजा कल्याणमल के पुत्र थे। बीकानेर के राजा कल्याणमल के पुत्र और अकबर के दरबारी कवि थे। भाई अकबर के दरबारी कवि, ये जो रचनाएं लिखते थे, इनका ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणी रिवचन का, उसके बारे में बताऊंगा। तो बीकानेर में जन्मे थे, निधन इनका 1713 में मथुरा यूपी में हुआ था। यह बीकानेर के शासक राय सिंह के छोटे भाई थे और बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे बेटे थे। अकबर की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली थी। तो अकबर ने इनको गागरुन दुर्ग भेंट किया था और गागरुन दुर्ग में इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी। और याद रखना महाराणा प्रताप के साथ इनका रिलेशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अकबर ने इन्होंने गागरुन दुर्ग भेंट में दिया। इसी दुर्ग में पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी री वेली कृष्ण रुक्मिणी री वचनी का नाम के ग्रंथ की क्या कर दी, रचना कर दी। ठीक है, वेली वेली कृष्ण रुक्मिणी री वचनी का नाम का ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ की भाषा उत्तरी मारवाड़ी है। और याद रखना ये जो ग्रंथ है ये लिखा गया है, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, ये ग्रंथ लिखा गया है डिंगल शैली में, पश्चिमी राजस्थान में, जो मारवाड़ी भाषा के शब्दों से चारण कवियों द्वारा जो बातें लिखी जाती थी गीत के रूप में, उनको डिंगल नाम से जाना जाता है। डिंगल शैली में रचना है। दुर्साडा ने इस ग्रंथ को पढ़ा और हिंदुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण कहा। कर्नल जेम्स टोड ने इस ग्रंथ को पढ़ा और ग्रंथ की तुलना 10 सहस्त्र घोड़ों के बल से की है। 10,000 घोड़ों में जितना ताकत, जितना जोश होता है, उतना जोश इस ग्रंथ को पढ़ने में आता है। साथियों, बहुत ही शानदार ग्रंथ है ये वेली कृष्ण रुक्मिणी री वचनी का। और एक बात और है, कर्नल टोड ने इस ग्रंथ को पढ़ के एक बात और बोली थी कि शायद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। शायद शब्द का उसने प्रयोग किया था, मतलब उसको कुछ ऐसा लगा था इस रचना में कि महाराणा प्रताप विवश हुए। एक बार उनके मन में आ गया था कि मेरे कारण मेरे जो साथ जुड़े लोग हैं उनको यातनाएं सहन करनी पड़ती है बेचारों को, तो क्यों ना मैं संधि कर लूं। लेकिन बाद में इसी पृथ्वीराज राठौड़ ने राणा से कहा कि राणा, रजवाड़े में पूरे राजस्थान में रजवाड़े में एक आप ही बचे हो जिसकी वजह से मुगल दरबार में हमारी पगड़ी ऊंची, हमारा मस्तक जो है वो चमकता हुआ प्रतीत होता है। आप हमारे मान सम्मान हो, आप डटे रहो, हम आपके साथ हैं। देखो अब रिलेशन क्या था, महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति, शक्ति की बेटी थी किरण देवी, किरण देवी का पति था ये पृथ्वीराज राठौड़। तो महाराणा प्रताप के क्या लगा, भतीजी का घरवाला, मतलब महाराणा प्रताप का भतीजिया जवाई है। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस एलपी टेसिटोरी ने कहा था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, प्रश्न बहुत बार आया है इसका। डिंगल का हेरोस किसने कहा इसको, टेसिटोरी ने कहा था। ठीक है, तो ये अपनी यहाँ तक की बातें कंप्लीट हो गई है साथियों। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे इनके अन्य ग्रंथ। ठाकुर जीरा दुहा, गंगा लहरी, गंगा जीरा दुहा, दशम भागवत है ये, थोड़ी सी गलती हो गई, दशम भागवत। एक मिनट रुको, यहाँ पे बैक करना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा इससे पहले वाला बैक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इनका मैं बता देता हूँ आपको, दशम भागवत रा दुहा।
दशम भागवत रादुआ है, इसके बाद में गंगा लहरी है, ठीक है, ये इनकी कुछ मुख्य मुख्य रचनाएं थी। ठीक है, अपनी बात यहाँ पे है, दशम भागवत रे दूहे पर। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ इसकी, तो ये दशम भागवत है, ये दशम भागवत, दशम दशम भागवत, गय है ये, गय गमले वाला, दशम भागवत रादुआ है, गंगा लहरी है, ये इनकी मुख्य मुख्य रचनाएं हो जाएगी। ये अपने पृथ्वीराज जी राठौड़ कंप्लीट हुए। इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मिणी रिवचनिका में दो शब्दों का बार बार प्रयोग किया है। इन्होंने खुद को तो कहा है पित्थल, और महाराणा प्रताप के लिए इन्होंने पाथल शब्द का प्रयोग किया है। तो पाथल और पित्थल शब्द जो है उनका प्रयोग इस ग्रंथ में हुआ। लेकिन ध्यान रखना, पाथल पित्थल नाम से किताब किसने लिखी है, सुजानगढ़ चूरू के हमारे थे कन्हैयालाल जी सेठ, या उन्होंने लिखी है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे कन्हैयालाल जी सेठिया के बारे में। अब देखो, कन्हैयालाल जी सेठिया का जन्म 1919 में सुजानगढ़ चूरू में हुआ, जबकि इनका निधन 2008 में कलकत्ता में हुआ। सेठिया आधुनिक काल के हिंदी और राजस्थानी भाषा के कवि थे। बहुत बढ़िया बात है, राजस्थानी भाषा का मोबी पूत कहते हैं इनको, राजस्थानी भाषा का क्या कहते हैं इनको, मोबी पूत कहते हैं। साथियों, मोबी पूत का मतलब होता है बड़ा बेटा। मोबी पूत का मतलब क्या होता है, बड़ा बेटा। तो देखो मैं लिख देता हूँ, राजस्थानी, राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी भाषा का मोबी पूत, राजस्थानी भाषा का क्या कहते हैं इनको, मोबी पूत मतलब बड़ा बेटा, राजस्थानी भाषा का मोबी पूत इनको कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट इनके बारे में अपने पढ़ते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है पाथल पीथल, जिनमें कहा गया, हरे घास री रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नैनो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। ठीक है, बड़ी ही दुख भरी और इतनी बढ़िया रचना है पाथल पीथल की, अगर आप इसको सुनोगे, वो नाम है उनका प्रकाश माळी जी, प्रकाश माळी जी वाली जो रचना गीत भजन आप सुन लोगे, तो आपके सुनते सुनते आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगेगी। इतनी मार्मिक रचना है ये, इतना सुंदर गीत है, जरूर सुनना आप। इसके बाद में सेठिया की अन्य जो रचनाएं हैं उनमें देखो, अन्य रचनाओं की अगर अपने बात करें तो अन्य रचनाएं हो जाएगी इनकी, धरती धोरा री आतो सुरगा ने शरमावे ई पर देव रमण न आवे हैं, धरती धोरा री। इसके बाद में प्रसिद्ध कलाकार कौशल भार्गव ने नृत्य नाटिका के माध्यम से देश विदेश में प्रदर्शन किया था धरती धोरा री पर। इस नृत्य नाटिका पर कौशल भार्गव को राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण कमल दिया गया, स्वर्ण कमल दिया गया था। ठीक है, स्वर्ण कमल दे दिया गया था। इसके बाद में देखो, 2004 में सेठिया को पद्मश्री व पद्म विभूषण से नवाजा गया। मरणोपरांत 2012 में सेठिया जी को राजस्थानी रत्न पुरस्कार 2012 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके बाद में देखो, पत्थल पिथल रचना में पिथल पृथ्वीराज राठौड़ को तथा पत्थल महाराणा प्रताप को कहा गया है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ तक की बातें हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है रमणीय रसोठा, लील टांस, लील टांस नीली नीली होती है लील टांस। ठीक है, जमीन रो धनी कुण मिंजर, तुम्हें सौगंध है सिरोई के वीरों की, और जोर रा साखी खेजड़ी। ठीक है, ये सारी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हो जाएगी, कन्हैयालाल जी सेठिया की रचनाएं हो जाएगी, ये हमारे सेठिया जी हो गए। इसके बाद में साथियों अपने पास में रहेंगे गौरी शंकर हीराचंद ओझा, रोहिड़ा गांव सिरोही में 1863 में जन्मे, और इनका देहांत हुआ 1947 में। ठीक है, और पंडित जी जो हैं सिरोही के मूल निवासी थे भाई, और इनके ग्रंथ है सिरोही का इतिहास,
सिरोही में सोलंकी थे, तो सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, सिरोही के जो राजा राजवंश पुराने हैं इसलिए प्राचीन राजपुताने का इतिहास, प्राचीन भारतीय लिपि माला, नागरी अंक और अक्षर, राजस्थान का ग्रीबन, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हो जाएगी। पंडित जी डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कर्नल टोड के प्रसिद्ध ग्रंथ द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो ये अपने गौरीशंकर जी ओझा जी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है कर्नल टोड, घोड़े वाले बाबा, रामदेव जी को नहीं कहते घोड़े वाले बाबा, कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। टोड हमारे राजस्थान इतिहास के पिता कहलाते हैं। 20 मार्च 1782 में स्कॉटलैंड वहाँ शराब बनती है, यहाँ पे स्कॉच बहुत ही महंगी शराब आती है और शराब राजस्थान में अलवर में बनती है, इसलिए अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। स्कॉटलैंड के लिंगटन सिटी शहर में जन्म हुआ। 1817 में कर्नल टोड राजस्थान आ गए थे। कर्नल टोड के गुरु का नाम जैन यति ज्ञानचंद्र था, नोट कर लेना इसको, जैन यति ज्ञानचंद्र था। टोड ने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान को अपने गुरु को समर्पित किया और इनकी पत्नी का नाम जूलिया था, जूलिया कल्टरबक नाम था, जूलिया, देखो टोड जूलिया है ना। तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के दूसरे खंड का प्रकाशन टोड की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जूलिया ने प्रकाशित करवाया था इसको। टोड जी तो पहले मर गए थे, जूलिया रह गई थी। जूलिया ने मरते समय ये वचन दिया था कि मैं आपकी इच्छाएं जो है, आपके संदेश जो है वो दुनिया तक पहुंचाने का काम करूंगी, लोगों को आपके बारे में बताऊंगी और आपको मैं साहित्य के क्षेत्र में अमर कर दूंगी। देखो प्रेम बड़ा सच्चा था इनका, कि इसका सपना उसने पूरा किया। निधन 1835 में हो गया था इनका। कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय चित्तौड़गढ़ के मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। इस शिलालेख से अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद में हाँ, प्रमुख ग्रंथ एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका अन्य नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की है। उपनाम है कर्नल टोड के घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास के जनक या पिता, थोड़ी सी अंग्रेजी यहाँ पे बोल देते हैं, द फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। नोट, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के संपादक विलियम क्रुक है। थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, लिलियम नहीं है ये विलियम है, ये है विलियम। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ विलियम क्रुक है। ठीक है, संपादक कौन थे इसके, विलियम क्रुक है। इसके बाद में देखो, पृथ्वीराज राठौड़ को लोकप्रिय व प्रकाश में पृथ्वीराज रासो को लोकप्रिय करने का, प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी अनुवाद कर्नल टोड ने किया था। टोड ने द संयोगिता नाम से करवाना चाहा था पहले इसको, परंतु इस ग्रंथ की प्रमाणिकता संदिग्ध होने पर इसको बीच में ही छोड़ दिया था। अगर कर देते तो कितनी फेमस होती ये स्टोरी पृथ्वीराज संयोगिता की, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, अपने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी सीख रहे हैं और अपने इसका अनुवाद करेंगे, कभी टाइम मिला तो अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद कर देंगे। अब इसके बाद में अपने आगे चलते हैं, बढ़ते रहेंगे। सूर्यमल मिश्रण नाम है, सूर्यमल मिश्रण, लोग इसको मिश्रण कह देते हैं, मिश्रण मिक्सचर होता है साथियों। ये सूर्यमल जी मिश्रण थे, अपने बड़े आदरणीय हैं साहित्य के क्षेत्र में, राजस्थान के राज्य कवि इनको माना जाता है। सूर्यमल मिश्रण का जन्म हिंडोली गांव, कौन से गांव के, एक मिनट यहाँ पे रुको, मैं इसको थोड़ा सा बैक कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको बैक करना पड़ेगा, रुको साथियों। यहाँ पे सूर्यमल मिश्रण हो गया, ये अपने सेट होने लग गया अभी लगभग, है ना। बड़ा काम है अपना, बड़ा सेटअप लगाया है इस बार और आपके लिए और बेटर मैटर आपको देने का हम प्रयास कर रहे हैं, डिजिटल माध्यम अपना रहे हैं।
देखो, सूर्यमल मिशन कोटा के राजा राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। किसके दरबारी विद्वान थे? राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। एक नंबर बात, इनके ग्रंथ देखो, इनके ग्रंथ हो जाएंगे वीर सतसई वंश भास्कर राम रंजाट है ये, राम रंजाट, ये टैट मटर मैंने यहाँ पे लिया, राम रंजाट बल्लवद विलास छंद मयूख धातु रूपावली सती रासो, सती रासो ये इनकी मुख्य रचना है। इनका प्रमुख जो ग्रंथ वीर सतसई वीरों का वर्णन है, मतलब 1857 क्रांति को समर्पित है, वीरों को समर्पित है ये। वंश भास्कर को इनके दत्तक पुत्र, दत्तक क्या होता रे, दत्तक होता है खोड़े लिया गया पुत्र, मतलब गोद लिया गया पुत्र, मुरारीदान ने पूरा किया था। बड़ा ही अच्छा बच्चा था ये, तब इन्होंने अपने पिता के अधूरे काम को पूरा किया था, नाम रोशन किया मुरारी दान ने, शाबाश। वंश भास्कर में बूंदी का इतिहास लिखा गया, अभी बूंदी का इतिहास लिखा गया है। अब देखो, नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा था, ये बीच में मनोत नैणसी की बात आ गई, ये भी नोट कर लेना अलग से। मुंशी देवी प्रसाद ने ये यहाँ नैणसी की बात हो रही है अपने, मोहनोत नैणसी मैंने अलग से यहाँ पे पॉइंट नहीं, ये पॉइंट बनाना भूल गया था मैं, यहाँ पे अलग से पॉइंट नहीं डाला जब मैंने टाइपिंग की थी, यहाँ पे टाइपिंग मैं खुद ही करता हूँ, नया हूँ अभी। देखो, नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा था। मुंशी देवी प्रसाद ने मारवाड़ रे परगनारी विगत नामक ग्रंथ लिखा, जिसको राजस्थान का, इसको ठीक कर लेना, राजस्थान का क्या कहते हैं, गजेटियर, राजस्थान का कहाँ का, राजस्थान का गजेटियर कहते हैं किसको, मारवाड़ रे परगनारी विगत नाम के इस ग्रंथ को कहा जाता है। गजेटियर क्यों कहते हैं, बजट मतलब होता है जहां अर्थव्यवस्था के आंकड़े दिए जाते हो, गजट होता है जहां जनगणना का आंकड़ा दिया गया हो। तो इस ग्रंथ में सर्वप्रथम मारवाड़ की जनगणना दर्शाई गई थी, इसलिए ये जो अपने नैणसी है इनको मारवाड़ में जनगणना का अग्रज कहा जाता है। साथियों, मारवाड़ में जनगणना का अग्रज क्योंकि सबसे पहले इन्होंने मारवाड़ में जनगणना का काम शुरू किया था। फिर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जेड़ में लिखा था, जिसका नाम था मोहनोत नैणसिरिख्यात। देखो, मोहनोत नैणसिरिख्यात में है शब्द का एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ, इसीलिए ये जो ख्यात है इसका सही नाम तो मैं बताऊंगा केवल आपको, किताबों में मोहनोत नैणसिरिख्यात मिलता है क्योंकि लोगों को बताने में शर्म आती है, लेकिन अपने जो बात है वही बताएंगे। इस ख्यात का नाम था मुत्ता नैणसिरी ख्यात। ये नाम बताने में थोड़ा सा बढ़िया सा नहीं लगता, इसलिए बताया नहीं जाता, लेकिन अब आप मेरे को देख नहीं पा रहे हो इसलिए मैं ये बात आपको बता देता हूँ। बात एकदम सही है, सही ग्रंथ का इसका नाम था मुत्ता नैणसिरी ख्यात। तो नैणसिरी ख्यात में है शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। कौन से शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है मैं यहां लिख देता हूं, है शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है इस ग्रंथ में, ठीक है। तो ये अपने सूर्यमल मिश्रण यहाँ पे हो गए हैं। एक चीज यहाँ पे और करवा देता हूं मैं आपको, हमारे राजस्थान के राज्य कवि है ये, राजस्थान के क्या माने जाते हैं, राज्य कवि इनको माना जाता है। राजस्थान के क्या मानते हैं इनको, राजस्थान के राज्य कवि कहा जाता है इनको, राजस्थान के राज्य कवि। राजस्थान के राज्य कवि कौन हो जाएंगे, सूर्यमल मिश्रण हो जाएंगे। और मुत्ता नैणसिरी ख्यात जो है ये किसके, मनोत नैणसी की रचना है, ठीक है, यहाँ तक की बात। और दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा एक खास बात, कि ये जो हमारे नैणसी जी हैं ना, इनको मारवाड़ में, मारवाड़ में जनगणना का इनको अग्रज कहा जाता है। जनगणना का क्या कहा जाता है इनको, अग्रज मतलब मारवाड़ में सर्वप्रथम जनगणना इन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है। तो
ये अपने सूर्यमल जी मिश्रण हो गए और हमारे मोहनोत नैन सी जी भी यहाँ पे हमने बातें कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट देखिए इसमें नेक्स्ट अपने पास में रहेंगे सूर्यमल जी मिश्रण के बाद में नेक्स्ट अपन बात कर लेंगे। दुर्सा आढा इधर वाली साइड से आए हैं ये दुर्सा आढा जी। दुर्सा आढा जो हैं ये भी बहुत बढ़िया आदमी हैं। दुर्सा आढा के बारे में मैं आपको बात यहाँ पे बताऊंगा कि ये जो हमारे दुर्सा आढा है दुर्सा आढा इनका जन्म 1592 में मारवाड़ के धुंधड़ा गांव में हुआ था। इनका पालन पोषण बगड़ी के ठाकुर प्रताप सिंह जी ने किया था। देखो ऐसी बातें नहीं पूछते भी पाला पोसा किसने, ठीक है, केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि कहाँ के थे, कौन सी रचनाएं लिखी, कौन सी रचना फेमस थी, कौन सा इनको अवार्ड मिला। इनकी पीतल की प्रतिमा आबू के अचलेश्वर मंदिर में स्थित है, माउंट आबू सिरोही के अचलेश्वर मंदिर में बनी हुई है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें जो हर किसी वीडियोस में हर कहीं पे आपको नहीं मिलती, मैंने एक एक चीज बहुत ही ज़्यादा विस्तृत तरीके से यहाँ आपके सामने पेश की हैं ताकि आप आरएएस का भी एग्जाम दो तो आपका एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अन्य ग्रंथ है विरुद्ध छतरी किरतार बावनी चाणक नेसी माता जीरो छंद अज्जा जीरी भुचर मोरी री गजगत अज्जा जी और यहाँ है अज्जा जीरी भुचर मोरी री गजगत ये इनकी रचना है। फिर मासन सिंह जीरा झूलना ये भी इनका ग्रंथ है, मासन सिंह जीरा झूलना आदि ग्रंथ है। महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को सर्वप्रथम दुर्सा आढा ने दिया था, ये बात आपको केवल यहीं पे सुनने को मिलेगी और बहुत ही डीप बात है। मैंने खुद ये चीज़ें जो है ये महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ के बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद पढ़ी हैं, राजस्थान साहित्य अकादमी की किताबें मैंने पढ़ के और फिर ये चीज़ें आपके लिए मैंने इकट्ठी यहाँ पे की। ये अन्य छोटी मोटी गाइड में ये चीज़ें नहीं मिलती है, या तो आपको भाटी सर बताएंगे या फिर आपको राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों में इतना विस्तृत ज्ञान मिलेगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो ये दुर्सा आढा जी हमने कंप्लीट कर लिया। आगे मुंशी देवी प्रसाद की मैं बात आपको बताऊंगा। मुंशी देवी प्रसाद जी भी कम आदमी नहीं थे, बड़े शानदार आदमी हैं मुंशी देवी प्रसाद को सबसे मोस्ट बात है कानूनी कवि के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जन्म जयपुर में हुआ, इन्होंने बीकानेर के राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा। एक नंबर पक्का कर लो आप फटाफट कि राजपुताने का कर्ण राय सिंह को किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने। फटाक इसको अंडरलाइन कर लेना, बढ़िया तरीके से रट्टा मार लो इसका, क्योंकि एक नंबर यहाँ पे आपका पक्का हो गया, बार बार आया है परीक्षा में प्रश्न और बार बार आने वाला है। इसके बाद में प्रमुख ग्रंथ रहेंगे मारवाड़ का भूगोल, रूठी रानी, कवि रत्नमाला, राजा भारमल, राज रसनामृत रसना, कृष्णा कुमारी, कानून की माता, महिला मृदुवाणी, ये इनकी मुख्य रचना हो जाएगी साथियों। तो मुंशी देवी प्रसाद जी भी बड़े प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। इसके बाद में बांकीदास जी जोधपुर जिले के भांडियावास गांव में जन्मे, इन्होंने बांकीदास रिख्यात नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। प्रमुख ग्रंथ है इनके सूर 36, प्रमुख ग्रंथ हो जाएंगे इनके। एक मिनट में थोड़ा बैक करूंगा इसको, आगे निकल गए अपने, ठीक है। इनके ग्रंथ हैं सूर 36, सिंह 36, विदुर 32, कुकवी 32, कायर बावणी, कृष्ण दर्पण, आयो अंग्रेज मुलक रह ऊपर, समस्या हो गई ये तो। तो ये सारी रचनाएं लिखी है बांकी दास जी ने लिखी है, नाम बांका है, बांकी दास है, इसलिए 36, 36, 32, 32 रचनाएं इन्होंने लिख दी है। अब अपने आगे चलेंगे इसमें। इसके बाद में है आपके सामने अभी स्क्रीन पे आगे हैं श्यामलदास जी दद्दवाड़िया। श्यामलदास जी दद्दवाड़िया ने वीर विनोद ग्रंथ की रचना की है। साथियों जब हल्का प्रश्न आता है ना तब वीर विनोद ग्रंथ का लेखक जरूर पूछते हैं। वीर विनोद ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ के लेखक में
लेखन में सिरोही के निवासी गौरी शंकर हीराचंद ओझा का भी विशेष सहयोग रहा है, विशेष सहयोग इस ग्रंथ में रहा है। ठीक है, अब देखो इस ग्रंथ का अधिकांश भाग मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के समय लिखा गया। इस ग्रंथ में मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ के प्रचलन पर महाराणा फतेह सिंह ने रोक लगाई थी, महाराणा फतेह सिंह ने रोक लगाई थी। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताऊंगा जो आप ध्यान में कर लेना, ये जो श्यामल दास जी है ना, इन श्यामल दास को कवि राजा और महामहोपाध्याय उपाधि, इनको कवि राजा और महामहोपाध्याय की उपाधि दी थी। किसने दी थी? सज्जन सिंह ने दी थी। कवि राजा तो कहते हैं श्यामलदास ददिवाड़िया को, और राज्य कवि हमारे हो जाएंगे सूर्यमल मिश्रण जी हो जाएंगे। अभी देखो और अपने पढ़ेंगे आगे, इसमें देखिए आप स्क्रीन पे अभी आने वाले हैं विजयदान जी देथा बहुत ही बढ़िया आदमी है, लोग प्यार से इनको बिजी बुलाते हैं, प्यार से इनको क्या कहते हैं, बिजी, इनको बिजी के नाम से जाना जाता है, बिजी के नाम से जाना जाता। आजकल हर आदमी बिजी है, पढ़ाई के अलावा कोई व्हाट्सएप पे बिजी है, कोई फेसबुक पे बिजी है, लेकिन ये बिजी थे साहित्य में, रचनाएं लिखने में बिजी थे, इसलिए इनके बिजीपन को अपने आज भी पढ़ते हैं। देखो विजयदान देथा 1926 को बोरिंदा गांव जोधपुर में जन्मे थे, राजस्थान में बिज्जी व राजस्थान के शेक्सपियर उपनामों से जाना जाता है, राजस्थान के शेक्सपियर। शाबाश, एक नंबर का प्रश्न यहाँ पे फ्री का प्रश्न है, इसको अंडरलाइन कर लेना, बढ़िया तरीके से रट्टा मार लेना, पक्का आएगा परीक्षा में साथियों। इन्होंने रूपायन संस्थान, ये दूसरा प्रश्न भी आपका यहाँ पे पक्का हो गया, रूपायन संस्थान जोधपुर को विकसित किया था। इनका निधन नवंबर 2013 में हुआ था। देखो प्रमुख ग्रंथ है बातारी फुलवारी, मेरा दर्द ना जाने कोई, बापू के तीन हथियारे, अंग्रेजी में 3 किलर ऑफ बापू, तीड़ो राव, अनोखा पेड़, महामिलन, रूख, सतन प्रिया, मारो बदलो, अलेखो हिटलर, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। और याद रखना साथियों, राजस्थानी साहित्य विजयदान देथा के बिना अधूरा है, विज्जी के